सोनी, पता है सानू ना मुंह छुपा। मुझे जंगली जानवरों वाली भूख लग रही है ना। ओह माय गॉड, क्या तरीका पढ़ने का। ओ हेलो, ये क्या तरीका है। वेदर हमेशा धोखा देता है, मतलब ये रोज दिखाते हैं कि बारिश होगी बट बाहर ऐसे, तो वापस अंदर चलते हैं। चलो पहली बार अच्छे बने। आज लगता है मैडू भी नहीं उठी अभी तक, इसका रूम ही बंद है। हाँ नहीं, इसने दिया अपनी खुशी से दिया, ब्लॉग नहीं तो ना सही। Assalamualaikum guys, welcome to another vlog. And अभी जस्ट मैं एज ऑलवेज, मेरी बहुत एक अच्छी वाली रूटीन है आई गेस कि मैं रोज़ जल्दी उठ जाती हूँ। लाइक जल्दी मेरा ये होता है कि मैं 2 बजे उठती हूँ। तो ये जल्दी नहीं है, तो मैं जैसे ही उठती हूँ तो उससे पहले मुझे होता है, सबसे पहला काम मेरा ये होता है कि मुझे फ़्रेश होना है। एंड फ्रेश होने के बाद मुझे होता है कि चलो थोड़ा सा लाइक तैयार हो जाओ ताकि मैं यू नो फ्रेश फ्रेश फील करूँ एंड एक एनर्जी के साथ मैं अपना डे स्टार्ट कर सकूँ। सो अभी बस मैं तैयार हो गई हूँ, अभी बस मुझे नीचे जाना है, नाश्ता करना है। डेली की रूटीन है यार, उठो सुबह तैयार हो जाओ नाश्ता कर लो। सो अभी बस मुझे नाश्ता करना है। एंड एज यू गाइस नो के मुस्कान के आजकल पेपर्स चल रहे हैं, तो बस आज उसका ऑफ था, तो अभी बस मैं नीचे जाती हूँ एंड लेट्स जस्ट सी कि वो क्या करी। वो लड़की पढ़ती नहीं है, ऐसे पढ़ती है बट बहुत चिड़चिड़ी हो गई हुई है। बस अभी मुझे याद आया कि मेरे तैयार होने का एक तो फ़ायदा होगा कि मामा को जो हम लोगों ने एक सैंडल गिफ्ट की थी वो मामा का साइज़ नहीं आया था, तो अभी हम लोग उसको जाके एक्सचेंज करवा सकते हैं बिकॉज अब तक तो साइज़ आ चुका होगा। सो बस अभी चलते हैं नीचे एंड आपको दिखाते हैं कि नीचे सब क्या कर रहे हैं। अभी बस मुझे अपना रूम यू नो साफ करके जाना होता है नीचे। लाइक अभी मेड्स नहीं आई ऊपर, तो मतलब मुझे होता है कि मैं अपना रूम नीट एंड क्लीन छोड़ के ऊपर जाऊँ, उसको बेड में खुद ही सेट कर लेती हूँ। एंड अभी बस नीचे चलते हैं। बस आज लगता है मैडू भी नहीं उठी अभी तक, इसका रूम ही बंद है। हाँ मैं कह रही हूँ तो उठ गई है। चलो मैं तो नीचे चलती हूँ, बहुत गर्मी है। आम को प्रे करने हैं, उसको पता नहीं क्या होता है, कपड़े तो दिखाओ। चलो गाइस लेट्स गो। अभी मैं नीचे आ गई हूँ, यहाँ पे लोग टीवी देख रहे हैं। ये सबसे पहले आ जाती हूँ बिकॉज मुझे जंगली जानवरों वाली भूख लग रही है अभी। मुझे पता नहीं मैं क्या खाऊँ क्या नहीं खाऊँ, फ्रेंड्स को देखते हैं क्या है अंदर क्या नहीं है। सब कुछ होता है लेकिन दिल नहीं करता, पता नहीं क्यों। हम लोग अपनी खाला से बात कर रहे थे, मेरे बाबा की खाला है। हेलो बाबा, गुड हो गया जी। अभी हम लोग अपने बाबा की खाला से बात कर रहे थे एंड अभी चलती हूँ मैं, मामा बात कर रही है बाबा से क्योंकि बाबा कराची गए हैं। एंड ये ये क्या तरीका पढ़ने का। ओ हेलो, ये क्या तरीका है। ये तो ऐसे लग रहा है कोई जिंदा लाश पर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मुस्कान ये तुम पढ़ रही हो सजदे में जाके, तुम बस हंस रही हो, ये क्या तरीका है। तो गाइस ये गूंगी एक लाश पड़ी हुई है यहाँ पे, कोई बात नहीं, मेरे पीछे वाली लाश को इग्नोर करें। इसके कमरे में मैं हमेशा तमाशे करने आती हूँ और ये अभी पता नहीं पढ़ रही है, लेट के पढ़ रही है। बहुत अच्छा तरीका है, लेट के पढ़ो बच्चों। चल मैं जा रही हूँ, पढ़ ले। तो वैसे यहाँ पे अभी मेहरू बात कर रही है खाला के साथ। तो वैसे एक तो गर्मी इतनी होती है, ऊपर से ये जो लाइट चली जाती है ना, बहुत तंग करती है। आई एम लिटरली स्वेटिंग, लाइक एक सेकेंड हुआ है लाइट गया एंड बहुत बुरा हाल हो रहा है ऑलरेडी, अजीब सीन है।
तो गाइस चलो बाहर वेदर देखते हैं कि बाहर वेदर कैसा है। वैसे तो वेदर हमेशा धोखा देता है, लाइक वेदर हमेशा धोखा देता है। मतलब ये रोज दिखाते हैं कि बारिश होगी, बट बाहर ऐसे चिपेड़े बजने वाले धूप है। मतलब हद हो गई है यार, कैन यू सी दिस? चिपेड़े बजने वाली धूप है कि मतलब बंदा खड़ा भी नहीं हो सकता। मुझ जैसा बंदा नहीं खड़ा हो सकता जिसको लिटरली एसी में पसीना आता है, वो तो नहीं खड़ा हो सकता ज़्यादा देर। तो वापस अंदर चलते हैं। नहीं होगी बर्दाश्त, लिटरली नहीं होगी बर्दाश्त। तू बहुत गर्मी है गाइस, मरने का मकाम है। तो गाइस यहाँ पे मैं अपने लिए अंडा बना रही हूँ जो मामा बना रही थी एंड, बट अभी मैं बना रही हूँ, मामा बना रही थी बट मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ। सो गाइस मेरा नाश्ता तैयार है एंड अभी तक तो सबको आइडिया हो गया होगा कि मेरा नाश्ता सेम होता है। एंड मुझे इतनी गर्मी लगी, लाइक आई एम लिटरली स्वेटिंग। बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा। क्यों? गर्मी बहुत है, लाइट चली जाए ना तो मतलब इतना गंदा हाल हो जाता है ना। एक तो गर्मी, ऊपर से अगर लाइट चली जाए तो बस बस आ रही होती है। एंड मेरा भी वही हाल है, एक इंसान को जब ज़्यादा गर्मी लगती हो उसके लिए तो लाइक ऐसे होता है मौत का मंजर। UPS है मेरे घर में, लेकिन अभी वो बंद हो गया। अब बता दो तुम वो भी स्टोरी क्यों बंद हो गया? पुअर लाइफ तुम्हारी, अमीरा वाली लाइफ। तो गाइस मुझे मैरी ने ये दी है कि मैं इससे हवा लूँ। लाइक कैन यू गाइस सी दिस? ओह माय गॉड, नहीं चला। यार गर्मी बहुत है, ऊपर से UPS को कोई बीमारी पड़ गई है, ऊपर से बाबा नहीं है, क्योंकि बाबा को ज़्यादा आइडिया होता है इन चीज़ों का, हमें है नहीं। तो चलो इससे अभी हवा लेते हैं। वैसे भी लाइट आने वाली है, लाइट आने वाली है ना? क्या टाइम हुआ है? 3:44 हो गया, सो मतलब आने वाली है ना। चलो मैं अभी अपना नाश्ता करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ माई आउटफिट फॉर टुडे। लाइक मेरी चप्पल तो डेली की रूटीन में पहनते हैं हम लोग एंड गर्मी बहुत है, सो आई प्रेफर टी शर्ट्स। ठीक है गाइस, अभी मैं यहाँ पे मुस्कान के लिए उसके फेवरेट नूडल्स बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने पानी गर्म कर लिया है। चलो जाओ यार, नूडल्स बनाने कोई ख़ास आते नहीं। मैं जब भी अपने लिए बनाती हूँ ना, जबकि नूडल्स बहुत ईजी होते हैं, बट मैं उनको ओवर कुक करती हूँ, तो मैं जब भी नूडल्स अपने लिए बनाती हूँ वो हलवा बन जाता है, पता नहीं क्यों। एंड अभी पता नहीं ये क्या बनेंगे। इंसाजत यहाँ पर नूडल्स बना रही है, एक मल्टी टास्किंग है ना। अरे कहना क्या चाहते हो? बहुत टाइम बाद, बहुत टाइम बाद मुझे लाइक मौका या लाटे कुछ ऐसा मिला है, सो सुकून आ गया। इट्स ऑलमोस्ट रेडी एंड अभी हमने जिसमें इसका मसाला डालते हैं। चलो अभी डल गया, अब कोई ना गिरी ना, प्लीज़ बड़ी मेहनत से बने हैं, प्लीज़ नो। चलो थोड़ा पहली बार अच्छे बने। बस गर्मा गर्म नूडल्स तैयार हैं एंड पहली बार बहुत अच्छे बनाए मैंने। चलो मुस्कान को देखते हैं। मैं अपनी छोटी बहन के लिए नूडल्स लेके आ गई हूँ, क्योंकि ये बच्ची बहुत मेहनत करके पढ़ाई कर रही है, तो इसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट बनता है। ये ले चुचे, पकड़ दो, ले चल यार, पकड़ ले तू। ये मतलब पता नहीं इसके क्या ड्रामे, मुंह पे किताबें रख लिया, बंदा पूछे नहीं तू सोनी, पता है सानू गजब बेइज्जती है ना, मुंह छुपा। स्टैचू, ये कहीं का सस्ता स्टैचू है, ये ना बोलता है ना इधर। तो गाइस हम इसको तंग नहीं करते, बाय चुचे, बाय बाय बाय। कंट्रोल आए नहीं तो ना सही। मैरू तुमने मेरी रिंग्स देखी है? कौन सी?
ये कब मंगवाई है? तुमने देखी नहीं, मैंने सबको दिखाई थी। ये मुझे कब दिखाई है? ओ मैंने सबको दिखाई थी ड्रामे पास हो रहा। बार भी नहीं दिखाई थी। अच्छा तुमने घर का मेंबर नहीं समझा मुझे। तुम्हें घर का मेंबर समझा तो तुम पता नहीं कहाँ पे गई थी कि मैंने वाकई दिखाई थी। ओ मैंने सबको दिखाई थी ना ये। हाँ यार ये तो मुझे था ना, एक तो मेरी हुई। यार प्लीज यार ये तो मैं बोले भी नहीं आएगी। ये तो बात बिजी हो रही है लेकिन ये मेरे गया। ऐसे होना चाहिए ना शेयरिंग केयरिंग। रिमशा ने मुझे गिफ्ट दिया है। तो गाइस आई वाज लिटरली कंप्लेनिंग कि आज बहुत ज्यादा गर्मी है, बट अभी बाहर बहुत हीट मौसम हो रहा है। लाइक ओह माय गॉड, मुझे ये मौसम बहुत पसंद है। अचानक से लाइक इतनी गर्मी हो जाती है एंड अभी चेक करें हवाएं चल रही हैं। यार हवा बंद क्यों हो गई? मैं मतलब कैमरा उल्टा की है, मतलब कैमरा उस साइड देखिए एंड हवा बंद हो गई है। बट खैर कोई नहीं गाइस, अभी बहुत ही फिट मौसम हुआ है एंड आई जस्ट लव दिस वेदर। इस मौसम में दिल करते बस यू नो घर से बाहर निकल जाऊँ। एंड मेरा वही सीन है, जैसे ही वेदर अच्छा होता है हम लोग लाइक हम सिबलिंग्स जो है ना अंदर नहीं बैठते, हम लोगों को बहुत गंदी आदत है। लाइक हवा चलती है, बारिश होती है, हम लोग फ़ौरन से बाहर निकल आते हैं। ऐसे लगता है कोई जंगली जानवर आज़ाद हो गया। बट क्या करें, अगर मौसम अच्छा हो आपको अंदर कैद नहीं रहना चाहिए, आपको जस्ट बाहर निकल आना चाहिए। तो अभी बस मैं वेदर इन्जॉय कर रही हूँ एंड ये बहुत बड़ी बिस्ती होती है। मैं जैसे ही कैमरा खोलती हूँ एक तो मेरे घर वाले चुप हो जाते हैं एंड अब मैं बाहर कैमरा लेके आई हूँ तो ये हवा बंद हो गई। आई लव यू, आई लव यू अल्लाह ताला। तो मतलब ये मेरे साथ होता है, जैसे कैमरा ऑन करती हूँ ना सब कुछ थम सा जाता है। लाइक ऐसा लगता है मैं पागल हूँ, मैं बकवास कर रही हूँ। चलो कोई नहीं। ओह माय गॉड आई लव इट, लेकिन मेरे बाल फट जाते हैं। जाते कि मेरे बाल मज़ीद फटें, बट आई लव दिस वेदर। एंड यहाँ पे पता है बारिश का मौसम हो रहा है, मुझे लगता है आज बारिश हो गई। लाइक हैनी गेट सीजन पता नहीं नज़र आ रहे हैं कि नहीं, बट बादल बने हुए हैं। हाउ गुड, प्लीज़ तेज़ हवाएँ चल रहे बस। चलो अंदर चलते हैं, बिकॉज छिपकलियाँ भी होती हैं सो मुझे डर लगता है छिपकलियों से, इसलिए अंदर चलते हैं। बाहर हवाएँ चल रही हैं मामा, बेबी बाहर हवा चल रही है। बाबा बाहर हवा चल रही है बड़ी तेज। बाय। तो गाइस जब भी हम लोग ऊपर जा रहे हैं विद माय फटा हुआ गोडा। ऊपर ना बड़ी गर्मी है, पता नहीं क्यों ऐसे लगता है जिस तरह ऊपर कोई आग बरस रही है। अरे कहना क्या चाहते हो? इतनी गर्मी है लेकिन आई एम ग्लैड मेरा बेडरूम बहुत ठंडा है माशाल्लाह। चलो बेटा। तो गाइस यहाँ पे मेरी बड़ी बहन ने मेरे लिए दराज से एक बॉक्स का ऑर्डर किया था जिसमें उसने मेरा मैंने वो आर्ट का स्टार्ट करके ये मैंने अपने लिए कैनवास लिया था सोडिया से। एक इसके ऊपर ये वाले पेंट तो नहीं करूँगी बट इसके ऊपर मैं पेंट करूँगी एंड आई विल शो यू गाइस। एंड मैंने ये भी सोडिया से लिए थे, इसके अलावा मैंने ये कलर्स लिए थे वहाँ से एंड उसके अलावा ये भी लिया था एंड ये तो मतलब मैंने USA से मंगवाए थे सो ये सोडिया से नहीं लिए। इसके अलावा मैंने ये एक्रेलिक पेंट्स भी वहीं से लिए थे एंड ये मेरी बहन ने मुझे दराज से मंगवा के दिए। तो चलो अपना पार्ट्स का सामान वापस इसमें डालते हैं, सामान वापस रखो तमीज से। चलो इतनी तमीज़ है मेरे में, इससे ज़्यादा तमीज़ है ही हमारे मतलब आपको मत सिखा चल मेरे में। तो चलो कोई नहीं,
आधा सामान तो ये लड़की इधर ही छोड़ गई हुई है। ये मेरी बड़ी बहन को मैंने बोला था कि मेरा सामान ना इसमें डाल दो और वो आधा सामान रख के गई हुई है। चलो कोई इट्स ओके रिमशा। एक चीज़ बड़ी गंदी है इस फ़ोन में, लाइक बताऊँ क्या होता है। होता ये है कि मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ ना, अगर मैं कैमरा स्विच करूँगी ना, तो जब दोबारा से मैं अपने मुंह की तरफ करूँगी ब्लर वीडियो बनती है। ये बहुत बेइज्जती वाला काम है, बट खैर कोई नहीं। तो गाइस आई एम जस्ट एंडिंग दिस व्लॉग हियर। आपसे फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ। आज मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया आपको दिखा दी है। बहुत ही बोरिंग सा दिन था, बट खैर कोई नहीं, अगर आगे कुछ करती हूँ तो वो भी दिखा दूँगी इंशाल्लाह। आई लव यू गाइस, बाय।